तो आज हम बनाएंगे हम सबकी फेवरेट कढ़ी पकौड़ा। तो इसके लिए हम ग्राइंडर जार में 2 कप बटर मिल्क लेंगे, आधा कप बेसन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अमचूर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये बैटर बनकर रेडी है। हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे और करी लीव्स डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर डालेंगे और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च स्लिट करके डालेंगे और इसको भी सौते कर लेंगे। तो इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें बेसन का मिक्सचर डालेंगे और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। तो इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है लगातार चलाते हुए। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए 1/2 कप बेसन लेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली, चाट मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी थिक बैटर बनाकर रेडी करेंगे। इसको लगातार चलाते हुए फेंट कर हम इसका बैटर बना लेंगे। जब तक ये हल्का ना हो जाए 5 से 4 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। हम इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा फ्लेम पर नहीं पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो देखिए हमारे पकौड़े बनकर रेडी हैं। इसको हम गर्मा गर्म कढ़ी में डालेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े बना लेंगे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, इसमें 1/2 चम्मच राई, थोड़े से कड़ी लीव्स, 2 साबुत लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे और साथ में 1/2 चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे कलर के लिए। तो इसको हम जल्दी से करी में पोर कर लेंगे। तो लीजिए हमारी करी पकौड़ा बनकर रेडी है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसे आप चावल के साथ, चपाती के साथ कभी भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।